एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो मैं बहुत दिन के बाद पोस्ट कर रही हूँ, लॉन्ग वीडियो। तो आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स तो ये आ रहे थे कि यार तुम लोग, मतलब तुम दिखती नहीं हो प्रेग्नेंट, 8 मंथ प्रेग्नेंट कहीं से कहीं तक नहीं लग रही हो, पेट तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो ये कमेंट्स आते हैं, मतलब मैं प्रेगनेंसी का नाटक करूँगी, ऐसा क्या, मतलब मुझे क्या मिल रहा है, ये सब आप लोग खुद सोचो। और किसी किसी का, मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी स्टार्टिंग में, मतलब जब से मेरा 5 मंथ लगा है, मैंने सुना है कि 5 मंथ में दिखने लगता है, लेकिन मेरा नहीं दिखा तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जो मतलब मेरा क्यों नहीं दिख रहा। तो मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि किसी किसी का नहीं दिखता है, डॉक्टर ने बोला था मुझसे कि ऐसा होता है, किसी किसी का नहीं दिखता, जो लोग पहले पतले होते हैं और बाद में मतलब वेट गेन हो ही जाता है प्रेगनेंसी में, और मेरा अब बहुत ज़्यादा हो गया है वेट गेन। तो अब जब मतलब दिखने लगा है वैसे तो अब लास्ट टाइम चल रहा है, तो लेकिन स्टार्टिंग में मेरा नहीं दिख रहा था, 5 मंथ से बिल्कुल नहीं दिख रहा, मतलब अभी अभी दिखना शुरू हुआ है, मतलब कुछ टाइम से, ये कुछ 15-20 दिन से। वैसे मेरा बेबी हेल्दी है, डॉक्टर ने बोला है, तो ठीक है, मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी। ओके गाइस, और मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ वीडियोस अपलोड कर दूँ, फिर मुझे टाइम मिले ना मिले, मैं वीडियो बना पाऊँ या ना बना पाऊँ। तो आज मैं मॉर्निंग में उठी और मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर रही हूँ, डस्टिंग वगैरह, क्योंकि जो है धूल जम जाती है हर चीज़ पे, इसीलिए। और मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ, रोज़ मतलब ऐसे साफ़ करती हूँ, उसके बाद भी इतनी धूल पता नहीं कहाँ से आ जाती है। एंड सबसे मेन चीज़ जो मैं इस वीडियो में, मतलब मैंने टाइटल दिया, आप लोग समझ गए होंगे कि मेरी बेबी शावर क्यों नहीं हुआ। आप लोग यही सोचते होंगे बेबी शावर क्यों नहीं हो रहा मेरा, अभी तक 8 मंथ लग चुका है। तो मैं बता दूं यार, हमारे यहाँ मतलब ऐसे नहीं होती है गोद भराई, लेकिन जो है मतलब मम्मी जो मायके वाले होते हैं वो कुछ पैसे और जो भी उन्हें देना होता है खाने पीने की चीज़ें, एक मिठाई का डिब्बा, ये सब गोदी में रख देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, आप लोग पूछ रहे थे, मेरे घर वाले आए थे बट मैंने वीडियो नहीं बनाई, और चले भी गए सब लोग, बस मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जब मम्मी आई थी, तो मतलब मम्मी अकेले की करी थी, खाला भी आई थी बट वो चली गई, दूसरे दिन ही चली गई थी वो, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी जिस वजह से वो नहीं रुक पाई। और मम्मी भी सिर्फ 3 दिन ही रुकी थी, बस खाला तो मतलब सुबह आई और शाम के, मतलब सुबह आई और रात में ट्रेन से वापस चली गई थी, तो उनको तो मतलब इतनी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी कि उनको जाना पड़ा। मैंने सोचा था कि मैं पूरी गोद भराई की अपनी वीडियो बनाऊंगी अच्छी तरीके से, बट हुआ क्या ना, मैं बैठी थी एक जगह पर बैठी थी, और मतलब 500 रुपये मेरी खाला ने और 500 रुपये मेरी मम्मी ने मेरी गोदी भी रख दी, और मिठाई का डिब्बा, और उस टाइम पे ईद का टाइम था तो सिमाइए और फेनी वगैरह, और मतलब ये सब चीज़ें, और मतलब मैं कोई रस्म नहीं हुई तो, और मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं शूट कर पाऊँ। मैंने उनसे बोला कि अरे यार मुझे वीडियो बनानी थी, लेकिन इतनी हड़बड़ी में सब लोग आए और चले गए, तो मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाई। तो यही हुआ था बस, मेरा बेबी शावर छोटा सा, यार मैंने सोचा था सजावट होती है, केक कट होगा, ये करूँगी वो करूँगी, बट कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मायके वाले करते हैं और मायके वाले मेरे आए और चले गए। तो ऐसा हुआ मेरा बेबी शावर, और हो चुका मतलब मेरा बेबी शावर ऐसा नहीं हुआ। और मैं सोच रही थी कि यार अच्छे से सजावट करूँगी, पूरा रूम सजाऊँगी बलून लगा के अच्छे से, बट यार मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती जिस वजह से मैं सोचती हूँ ये करूँ वो करूँ, बट कुछ नहीं कर पाती। तो ऐसा हुआ बस। और गाइस, यहाँ पे आज मैं ऐसे वीडियो शूट कर रही हूँ, और गाइस मेरा 34 वीक्स चल रहा है, 36 वीक्स में मैंने सुना है कि डिलीवरी हो जाती है, मतलब मेरे पास ओनली 2 हफ्ते हैं आप लोगों को मैं वीडियो पहुंचा पाऊँ। बस यही सोच रही हूँ कि कैसे भी करके मैं वीडियो बनाऊँ और डालती चली जाऊँ, लेकिन यार मेरी हिम्मत ही ख़राब हो जाती है, मतलब हिम्मत ही टूट जाती है, फिर मतलब ऐसे थोड़ा आलस आलस सा आ जाता है ना, तो नहीं हो पाता मुझसे।
और यहाँ पे मैंने अपने बेबी के लिए एक छोटी सी अलमीरा टाइप की मंगाई है, मतलब ये शूरैक है, इसको शूरैक की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो एंड इसको आप कपड़े रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं काम कर रही थी, उसी बीच पार्सल वाले भैया का कॉल आ गया, तो मैंने सोचा चलो पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा आया, क्योंकि यार ख़राब आ जाता तो क्या होता, इसीलिए मुझे रिटर्न करना पड़ता और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको रिटर्न करूं और फिर मतलब इसीलिए। तो यहाँ पे लेकिन ठीक आ गया था, थैंक गॉड। लेकिन बस ये मुझे बिल्कुल कंफ्यूज हो रही थी मैं, और मेरा मुंह इसीलिए बन रहा था कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या अजूबा है, मतलब इसको मैं जोड़ूं कैसे, बनाऊं कैसे, तो मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था। फिर मैंने सोचा यार क्या करूँ, इसको ऐसे ही पटक देते, और एक तो मैंने पूरा साफ़ करा था अभी, झाड़ू लगाई थी, और अब मतलब फिर से मुझे इसको मतलब फिर से झाड़ू लगानी पड़ी। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगा कि इसको फाइनली सेट कर दिया, और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब छोटे छोटे कपड़े रखने के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद बस मैंने इसको सेट कर दिया एक जगह पे, और फिर मैं लगा रही हूँ पोछा बहुत दिनों के बाद। तो मैंने थोड़ा सा फिनाइल भी डाला था, क्योंकि अभी गर्मी है तो थोड़ी मक्खी सी भी आ रही हैं, और मैं ऐसे पोछा बैठ के लगाने को बोलते हैं लोग, देखो ऐसा नहीं है कि मतलब, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, अगर क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत सारे लोग जो हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं जो खुद भी प्रेगनेंट है, तो मतलब अगर आपसे बन रहा है करते तो आप करिए, जैसे मुझसे अभी बन रहा है तो मैं थोड़ा कर पा रही हूँ, जब मुझसे नहीं बनता ना तो मैं लेट ही रहती हूँ बस। हो गाइस अभी भी मेरा सांस फूल रहा, मतलब मैं बोल नहीं पा रही, क्यों पता नहीं मेरी सांस क्यों इतनी फूलती है, वो गले में जलन तो यार इतनी ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ क्या करूँ गाइस, गले में जलन भी होती है, इट्स ओके। लेकिन अब थोड़ा ही टाइम बचा है बस सहने का, क्योंकि उल्टी से भी मुझे राहत मिल जाएगी हमेशा के लिए, और मुझे ये गले में जलन से भी राहत मिल जाएगी, सांस फूलना भी चला जाएगा, सब चला जाएगा। लेकिन बस थोड़ा सा ना डर है कि डिलीवरी का पेन क्या है, क्योंकि अभी तक तो मतलब इतना सब सहती आई हूँ, और अब सबसे बड़ा दर्द ज़िंदगी का सहना है, बट ठीक है। लेकिन क्योंकि सब लोग सहते हैं, और सब लोग मतलब इतने सारे लोगों को देख के थोड़ा मोटिवेट हो जाती हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया, और गाइस इग्नोर करना मेरी आवाज़ को, क्योंकि सच में मेरी सांस फूल रही है, मैं क्या ही बोलूँ। और जैसे कि आप सबको पता है मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, बट 2 हफ्ते भी नहीं है, क्योंकि अभी 35 वीक्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा 25 अप्रैल को, तो उससे ये है कि मतलब फिर मेरे पास सिर्फ 1 वीक बचेगा, 1 वीक मतलब, और ये भी हो सकता है कि बाद में हो या पहले, कुछ नहीं कह सकते गाइस, सब कुछ गॉड के ऊपर है, सब कुछ अल्लाह के ऊपर है, क्योंकि पहले भी हो सकता है बाद में भी। और मेरे पास मुझे बस ये है कि मैं जैसे तैसे मतलब पैकिंग कर लूँ अपनी, कंप्लीट मैं तैयार हो जाऊँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, और मुझे ये लग रहा है कि एकदम कुछ ना हो बस, क्योंकि एकदम कुछ हुआ तो सारी चीज़ें रह जाएंगी। मैं सोच रही हूँ 2-3 वीडियो तो पोस्ट कर ही दूँ जैसे तैसे करके, तो यही है बस। ओ गाइस यार मेरी फर्स्ट मतलब प्रेगनेंसी, और मेरी इतनी ज़्यादा बेबी शावर की मतलब ख्वाब थे कि मैं करूँगी, और मैंने सोच के रखा था, बट मेरा बेबी शावर नहीं हो पाया, तो थोड़ा बुरा लगा, मतलब दिल को बुरा लगा, लेकिन ठीक है, क्योंकि होता है कभी कभी हम कुछ सोचते हैं और वो नहीं हो पाता है यार, तो कुछ नहीं, अब क्या ही बोलूं। और यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह भी धो रही थी, और सांस फूल रही है यार। और गाइस मेरी मम्मी 3 दिन में ही चली गई थी, तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब इतना ज़्यादा मैं सोच रही थी और के, लेकिन वो बोल रही थी कि मैं अब डिलीवरी के टाइम पर ही आऊँगी, क्योंकि जब रुकेंगी वो अच्छे से तो जब ही मतलब मैं वीडियो पता नहीं बना पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मम्मी के सामने मैं वीडियो बहुत कम बना पाती हूँ, क्योंकि मम्मी मेरी थोड़ा हंसती हैं, इसीलिए मुझे शर्म आती है, इसीलिए मैं नहीं बना पाती हूँ।
एंड यहाँ पे एंड गाइस मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बेबी के लिए पहले से शॉपिंग नहीं करते, और मेरा मन है कि मैं बेबी के लिए पहले से शॉपिंग करूं। वैसे हमारे यहाँ ऐसा होता है कि न्यू बॉर्न बेबी को नए कपड़े नहीं पहनाते, तो मेरी मोमानी के लेके आई थी तो वो रखे हुए हैं अभी, एंड कुछ मेरी भाभी की लड़की है उसके मैं ले लूँगी, क्योंकि न्यू कपड़े नहीं पहनाते वैसे तो, लेकिन मुझे ये नहीं पता। हाँ 6 दिन तक मैंने सुना है वैसे तो, जब हमारे यहाँ 6 दिन होते हैं छठी हो जाती है, छठी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उसके बाद से पहना सकते हैं। तो मैं अभी एक भी मैंने ड्रेस नहीं ली अपने बेबी के लिए, तो देखते हैं क्या होता है अभी तो। एंड गाइस यहाँ पे ये बैग बहुत धूल में गंदा सा हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ये बैग मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊँगी, इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखूँगी। ये टंगा था वैसे बाहर, इसमें कोई ऐसे गंदी नहीं हुआ है, अंदर से मैंने इसको इसीलिए वॉश नहीं किया क्योंकि ये साफ ही है अंदर से, लेकिन ये बाहर से थोड़ा सा धूल हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको मैं ना ऐसे थोड़ा सा सर्फ लगा के क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इस बैग में मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने वाली हूँ, तो इसीलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। बाप रे बाप, इसको धोना ना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़े थी क्योंकि ट्राईपॉड मेरा हिल रहा है बार बार, और मैं बस ये सोच रही हूँ कि कैसे भी करके कंटेंट अपलोड करूँ, कुछ भी अपलोड करूँ कंटेंट, तो बस मैंने इसको जैसे तैसे वॉश कर दिया। और यहाँ पे इस पर यार मियाऊ लिखा है, बहुत क्यूट लगता है, और बस इसको मैं ऐसे पानी इसका निचोड़ रही हूँ ताकि पूरे में गीला ना हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे मैंने टांग दिया और ये ठीक से टंग नहीं रहा था, फिर मैंने इसको ऐसे गिरे ना ताकि इसको ऐसे में टांग दिया। बस गाइस यहाँ पे ये हो चुका है, टंग चुका है, और यहाँ पे अब मैं चली नहाने, थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं क्योंकि अभी काम में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। गर्मी इतनी ज़्यादा मुझे नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों, वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे खुला एरिया है तो इतनी नहीं है, लेकिन हाँ जब मैं खाना बनाती हूँ उस टाइम पे तो बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि उस टाइम पे गैस के सामने रहते हैं ना, बाकी काम करते में थोड़ा बहुत पसीना ऐसा आ जाता है, बाकी इतनी गर्मी यहाँ अभी नहीं लग रही है, लेकिन बहुत गर्मी है सच में। वैसे मैं बाहर नहीं निकलती शायद इसलिए क्योंकि धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, और मतलब मैंने ये सूट निकाल लिया था अपना नहा के मैं पहनूंगी, जो यही ढीला सा है, बहुत ही आरामदायक है। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा काम वगैरह कर लूँ, मतलब बाथरूम वगैरह, वैसे तो समीर ही धोते हैं ज़्यादातर, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं धो लेती हूँ, क्योंकि यार मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे हस्बैंड से काम करवाना, क्योंकि वो मतलब दिन में भी मेहनत करते हैं बाहर और फिर रात में काम करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कपड़े वगैरह तो वो धो लेते हैं जब मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, और यार सच में बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लगता उनसे काम करवाना इसीलिए। और यहाँ पे मैंने बाल्टी भी वॉश कर दी, बाथरूम भी अच्छे से वॉश कर लिया, धो दिया अच्छे से, वैसे इतना गंदा नहीं होता है, लेकिन मतलब धो लेती हूँ हफ्ते में एक आध बार, क्योंकि ऐसे मतलब धूल सी हो जाती है ना, तो पूरे में इसीलिए मैं। उसके बाद अब मैं चली नहाने, और बस मैं गाइस नहा करके आ चुकी हूँ, और बहुत फ्रेश फील हो रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था नहाने के बाद, क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद बस मैंने अपने बालों को टॉवल से पोछा, और ना गाइस अब तो यार बाल ज़रा में सूख जाते हैं, मतलब अगर नहीं भी सुखाओ तब भी ज़रा में बाल सूख जाते हैं। और कल मैंने अपने हस्बैंड से मंगाया था मैंगो शेक, और जो कि मैं पीना भूल गई थी तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, और अब मुझे याद आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि ऐसे कुछ खाने पीने की मीठी चीज़, मुझे मीठी, मैंने पूरी प्रेगनेंसी में मुझे मीठी चीज़ें बहुत पसंद आई, वैसे तो मुझे मीठा वैसे भी पसंद है,
लेकिन यार इस टाइम पे मुझे मीठा और ठंडा, और मेरा कोई रूटीन नहीं होता है कि मैं कब क्या खा रही हूँ। जैसे मैं कभी सुबह उठ जाती हूँ और सुबह से मुझे मतलब मैं चाय नहीं पीती, मैं मुझे तरबूज चाहिए होता है। मैं सुबह 7 बजे उठ जाऊँ और मैं तरबूज काट के खाने लगती हूँ। समीर कहते हैं ये सुबह सुबह कौन खाता है, मतलब मेरा कोई रूटीन नहीं है। मैं कभी भी कुछ भी, रात में 2 बजे मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही होती हूँ, आइसक्रीम खा रही हूँ, मुझे ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद शाम के, आज हम आए थे शादी में और बहुत सारे लोग बोल रहे थे, मतलब कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं, मतलब बहुत से नहीं बोल रहे थे, एक कमेंट आया था, सॉरी गाइस, मेरे पास सिर्फ एक ही दो कमेंट्स आए थे कि सेम ही सेम कपड़े पहन रही हो। तो गाइस देखो, मैं हूँ प्रेग्नेंट, जिस वजह से मेरी बॉडी में बिल्कुल मतलब कपड़े फिट ही नहीं हो रहे। तो मैं और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती कपड़ों के ऊपर कि मैं और ख़रीदूँ। ये मैंने ईद पे बनवाया था और ये एकदम ढीला मैंने बनवाया था। तो मैं अभी, मैंने जितनी भी वेडिंग अटेंड की है तो इसी को पहन के की है, और ऐसा नहीं है, बहुत अलग अलग जगह पर गए हैं, मतलब यहाँ वो रिश्तेदार नहीं है जहाँ वहाँ पे थे, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। तो मैं सेम पहनूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगह पे जा रहे हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा हुआ, और मैं और ज़्यादा कपड़े मैंने नहीं बनवाया। मैं घर में भी मतलब समीर की टी शर्ट पहन लेती हूँ, लोवर पहन लेती हूँ, ताकि मुझे और ज़्यादा प्रेगनेंसी के लिए और ड्रेसेस ना लेना पड़े। बस गाइस, अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।